वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं राजेश खुद्दर बोल रहा हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज डॉक्टर जाकिर साहब के सामने खड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। सर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवद गीता हिंदू के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या? नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ल अजलिन किताब, के हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में चार किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, तोरा जबूर इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये चार किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है। मिसाल के तौर पर सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से चार का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि यह है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क्यामत तक है। जितनी किताबें पहले आए वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था, जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं लेकिन सारे इंसानों के लिए, और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं, वो क्यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पर महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था
अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गए 24000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे ज़रूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए। बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुबहाना ताला जानते कि एक ता क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए, ये चीज़ मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के ज़रिए तहकीक करने लगेंगे कुरान मजीद को छोड़ के, बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की ज़रूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, मेरी भी और आपकी भी। Hope that answers the question, brother. Thank you, sir.